By the way, congratulations. Why congratulations? क्यों प्राची मुझे इतना डांट रही है इसलिए? अरे तुम डैड बनने वाले हो इसलिए. हाँ. मैं तो भूल ही गया था कि मैं बाप भी बनने वाला हूँ. इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे. लेकिन एक सेकंड, तुम अभी क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो? अभी तो बहुत टाइम है. एक बार मैं बाप बन जाऊंगा फिर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना. इनफैक्ट बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले इंसान तुम होगी जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगी. सो नाइस. वो एक्चुअली रणबीर, आई एम सॉरी, मुझे बूजी के लिए जाना होगा. नॉर्मल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं आज बूजी से नहीं मिली ना तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी. डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, मैं उनकी साइड नहीं ले रही. एंड आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट, इट्स जस्ट दैट उनके बहुत एहसान है मुझ पर. उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, और है तो वो मेरी बूजी. यू राइट, ये चीज मैं समझ सकता हूँ. कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद भी नहीं टूटते, है ना? नहीं, वो बात नहीं है. मुझे बस लगता है कि मेरे अलावा उनका कोई अपना है नहीं. सो आई नीड टू गो. लेकिन आई होप तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पास है. मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है. पर मैं वापस आऊंगी. एंड यू नो व्हाट, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना. ऑफ कोर्स, बोलने की जरूरत थोड़ी है. इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक ख्याल रखूंगा. पता है, पर मेरी बहन है इसलिए बोलना पड़ा. ऑफ कोर्स, मेरी पत्नी है. थैंक यू. हे भगवान, थैंक यू सो मच. इतनी सारी खुशियां देने के लिए थैंक यू. मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं अपनी प्यार की निशानी अपने ऐसे हाथ में लेके देख पाऊंगा. मैं अपना अंश अपनी गोदी में खिला पाऊंगा यार. थैंक यू भगवान. और स्पेशली उस चीज के लिए थैंक यू कि आपने हमारी जिंदगी से जो सबसे बड़ा खाला साया था, आलिया बूजी. मैं हमेशा से एक छोटी प्राची चाहता था, और देखो छोटी प्राची आ गई. इसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है. सी, देखो. तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. हमारी निशानी, हम दोनों का अंश ऐसे तुम्हारे हाथ में, मैं कैसे बताऊं मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, अलग सी फीलिंग है. ऐसा लग रहा है कि आई एम कंप्लीट नाउ. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. कितनी प्यारी बच्ची है हमारी. कितने छोटे छोटे देखो, कितने छोटे. पैर में कुछ लगा हुआ है, देखो. नहीं, कुछ लगा नहीं है, बर्थमार्क है. बर्थमार्क? वाओ, कितना प्यारा सा बर्थमार्क है. ये बर्थमार्क देखो, ध्यान से देखो. ऐसे ही लग रहा है कि ये चांद है, ये सितारा, ये देखो. हाँ, सही कह रहे हो, ऐसे ही लग रहा है चांद और सितारा है. देखो, हमारी बेटी हमारे जीवन में चांद सितारे लेकर आई. ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आई, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं. सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. शिल्पा, ये क्या हुआ इन्हें? कोई हेल्प करे मैं आपकी? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरी बहन है, उसे दौरा आ गया था तो इसीलिए. मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ. नहीं नहीं नहीं, आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए. इसे वहाँ सोफे पर लेटा देंगे प्लीज? हाँ, हम आपकी हेल्प करते हैं. आराम से. आप ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. अरे नहीं, थैंक यू कैसा, हम तो वैसे भी चाकू लेने आए थे, तो
दिखे तो हेल्प कर दिया। ये तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? जैसे हमें किसी का मर्डर करना हो चाकू इसलिए चाहिए। अरे केक कट करना है, हमारे घर में बेटी हुई है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी आई है, तो घर में सब बहुत खुश हैं, तो उसके लिए केक वेक। नेवर माइंड। किसकी बेबी हुई है अब प्राची? तुम मासी बन गई हो। व्हाट? वाओ, दैट्स ग्रेट। प्राची की बेटी तुम्हें मासी बुलाएगी। बेटी? बेटी हुई है प्राची को? आदि प्लीज उसे कंग्रेचुलेट कीजिएगा मेरी तरफ से और घर में सबको भी। आ, 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 तुम्हारी विशेष तुम ही दो, समझी? मैं बुला रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ आओ और अपनी विशेष खुद दो। नहीं आंटी, आप ही मेरी तरफ से विश कीजिएगा सबको और प्राची को भी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ऐसी बातें कर रही हो बेटा तुम? इतना वक्त गुजर चुका है, सब भूल चुके हैं सब कुछ। तुम भी पास्ट भूल जाओ और कह रही हूँ ना तुम्हें, आ जाओ यहाँ। पर मैं नहीं भूली, मैंने क्या नहीं किया आंटी? आई कैन नेवर फॉरगेट। कितनी बुरी थी मैं, कितना सब कुछ किया आप सबके साथ। या बेटा तुम एक ही जगह रुकी रहोगी तो वक्त बहुत पीछे छोड़ देगा तुम्हें। जिंदगी वक्त के साथ आगे बढ़ने का नाम है, आज में जीने का नाम है। बेटा आज का सच ये है कि तुम बदल चुकी हो, पास्ट हम सब भूल चुके हैं, इसलिए बेटा मेरी बात मानो और यहाँ आ जाओ, हम सबके साथ खुशियाँ मनाओ। देखो रिया तुम आओगी तो रणवीर और प्राची को बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, आंटी मैं रिया। हेलो रिया, आई विश वो पूरा वक्त आया ही नहीं होता। ये इंजेक्शन तुम्हें सुला देगा प्राची, और जब तक तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तक क्या हो चुका होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, मेरा हाथ टाइट पकड़ लेना, ठीक है? तुम मरी, रिलैक्स, स्टार्ट करो अपने आप। इधर देखो, इधर देखो। कैसी शक्ल बना रही हो, देख रहे हो तुम? क्या? तुम्हारी मम्मी तो तुमसे भी छोटी है, ऐसे आउच आउच कर रही हो, इतना तो ये भी नहीं करती होगी। हो गया? थैंक यू नर्स। हेलो मैडम, चलो कोई नहीं, थक भी होगी ना बहुत, तुम आराम से सो जाओ, कोई नहीं, मैं जाके अपने बच्चे के साथ टाइम पास करता हूँ। आओ 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 आओ। मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, सोचा जेल से आजाद हुई हो तो पहला कॉल तुम्हें करूँ। अब आजाद नहीं हुई है, अब भागी है जेल से। रिया अपनी अपनी डिक्शनरी है, तुम भागना बोल लो, मैं आजाद होना बोल लेती हूँ। मैं आजाद बिना किसी वकील बिना किसी कानून की हुई हूँ, जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है और आगे भी जो कुछ भी करूँगी अपने दम पर करूँगी। बच्ची को साथ ले जा रही हूँ। दोनों मर गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे। What? क्या किया आपने उनके साथ? रणवीर प्राची को मार दिया आपने? कहा तो 3 मर्डर की सजा फांसी। डोंट शाउट, पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है तुम्हारी, इस दुनिया में नहीं अपनी सपनों की दुनिया में मैंने उन्हें भेजा है। I hope you understand me, Riya baby. इन्हें गहरी नींद में मैंने सुलाया है। Anyways, टाइम नहीं है मेरे पास, जा रही हूँ। दोबारा से कॉल करूंगी तुम्हें। For sure. मुझे? हेलो, 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 हेलो। पल्लवी आंटी को फोन करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है आप? कर क्या रहे हैं? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं बूजी ने सबको बेहोश तो नहीं कर दिया? God, I have no
आइडिया वहां क्या हो रहा है। मुझे प्राची की बच्ची को बचाना है, वो मेरी बेटी जैसी है। I can't let anything happen to her. I'm going to save her from Bujji. मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पंची, मेरी पंची, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तुमसे प्यार करती हूँ मैं। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। It's my duty to save her, and I will save her. Oh my love, my baby, my fairy, my magic wand, my lottery ticket. तुम निकालोगी मुझे ये मुसीबत से, ये सारे मैस से, और फिर आलिया बनेगी लूजर से विनर, और एक बार फिर सबकी तकदीरें होंगी मेरी मुट्ठी में, सबका भाग्य मैं लिखूंगी तुम्हारी हेल्प से। माय बेबी कम, लेट्स गो। उनको खिला के आ जा। अच्छा जी, आपने प्लेट ऑलरेडी सजा के रखी और मुझे दुनिया भर के ढूंढ ढूंढ के रिश्ते बताकर केक खिला दिया इतना सारा, ऊपर लड्डू भी खिलाया। वो क्या है ना, मुझे जरा खाते पीते घर की लगे इसलिए। अच्छा जा, उनको खिला के आ। हाँ। भाग। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हेल्प चाहिए, प्लीज प्लीज हेल्प। मेडिकल इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी चलिए, सिटी हॉस्पिटल जा रहा है, प्लीज जल्दी चलाइए जल्दी। ये सब क्या तमाशा हो रहा है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ नाच गाना, केक स्वीट्स, ये सब अलाउड नहीं है। क्या है ना डॉक्टर, आई रियली सॉरी, आई नो ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में सालों बाद बच्चा आया है, तो हम लोग बस बहुत बहुत खुश है। ये सब आप लोग घर जाके कीजिए। अरे डॉक्टर साहब, हम तो घर जाके ना बहुत ज्यादा धमाल करने वाले हैं। और आपको भी इनवाइट करेंगे। अभी तो बस आप मुंह मीठा कीजिए, खाइए खाइए खाइए। अरे देखिए, ये सब हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है। आप जानती हो, अब बहुत ही खूबसूरत हो, और मुझे लगता है कि गुस्से में तो आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिखोगी। अरे इसी बात पे स्माइल कर दो और मुंह मीठा कर लो। अरे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अब तो स्माइल करना बनता है, प्लीज खा लीजिए। कोहली लेडीज भी कमाल की है, जैसे कैसे अपना काम निकाल ही लेती, उसके लिए नए रूल्स भी बना लेती। जो डॉक्टर अब तक सबको डांट रही थी, वो साथ में खुशियां मना रही है। I wish मॉम भी दीदा और पल्लवी आंटी जैसी होती। घर में इतनी बड़ी खुशी है, हम सब साथ में सेलिब्रेट करते। आपका मोबाइल फोन यहाँ पर ही रह गया। ओ अरे मैडम, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? सिग्नल है मैडम। कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चलाओ तुम। आजकल कैमरा लगा हुआ है मैडम, फोन पे ही चलाना जाता है। ट्रैफिक लंबा है, 5-7 मिनट लगेगा ट्रैफिक खाली होने में। माय लिटिल टाइनी बेबी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पूजी के साथ ऐसे थ्रिल्स होते रहेंगे, तो एंजॉय करो, ओके? पंची, पंची, आपने गौरव को देखा एक बच्चे के साथ? पूजी, आपने एक छोटा बच्चा देखा है? आपने एक छोटा सा बच्चा देखा है? पूजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गॉड, ये इतनी जल्दी उठ भी गई, अब क्या करूं? नीचे उतरी तो ये पकड़ लेंगे। भाई, भाई 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 भाई, एक औरत है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, देखा क्या? अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो आई विल बी डेड, छोड़ेंगे नहीं मुझे। ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है? तो किसकी वजह से हुआ रणबीर? मेरी वजह से हुआ, मेरी डिलीवरी हुई थी रणबीर, मैं कुछ सेडेटिव्स दिए हुए थे, मैं होश में नहीं थी, तुम तो तेरा होश में, तुम मैं क्या, मैंने क्या किया? Exactly, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम्हें पता था ना आलिया मुझको एक जेल से दूसरी जेल में डाल रहे हैं। तो क्या, तो भी तुमने कुछ नहीं
फैमिली को बोल सकते थे सिक्योरिटी बढ़ाओ, मेरे बच्चे का ध्यान रखो, किसी को भी बोल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं, ये तुमने सोचा भी नहीं मेरा जी। रणबीर को क्या पता था कि बूजी वहाँ जाएंगी, इनफैक्ट किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। सोचना चाहिए था, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, सोचना, किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसके अपने बाप ने नहीं रखा, मैं किसी और से क्या ही उम्मीद। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वहीं बेहोश पड़ा हुआ था, मैं क्या करता। एक सेकंड के लिए शांत होके जस्ट काम डाउन। नहीं होगी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन मत बोलो, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, कैसे होगी काम डाउन। तो क्या बोलूं मैं प्राची, क्या बोलूं जिसे तुम्हें समझ में आए कि मेरी कोई गलती नहीं है। पंची सिर्फ तुम्हारी बेटी थी क्या, मेरी भी तो बेटी है ना, मैं क्या चाहता हूँ कि वो चली जाए। मुझे सपना आना था कि आलिया बूजी वहां आएंगी, मुझे पता होता ना अगर किसी बनक होती कि आलिया बूजी आएंगी तो मैं खड़ा रहता और जागता रहता और मैं कुछ नहीं करने देता, मैं मर जाता लेकिन अपनी बच्ची को बचाता ना। कैसे बोल रहा हूँ, तुम ये बात अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता है, तुम क्यों बोल रही हो बार बार ऐसे कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, हजार बार बोलूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची नहीं है मेरे पास, तुम्हारी वजह से बोलूंगी, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरे कोई नहीं देख पाया उसे। डॉक्टर शर्मा से बात हो गई है, वो किसी स्पेशल नर्स को भेज रहे हैं प्राची के लिए। आप बता सकते हो उस बच्ची के साथ कौन था? हम सब तो बाहर थे। बच्ची के साथ तो सिर्फ उसके माँ बाप थे, रणबीर और प्राची। आप लोगों को किसी पे शक? शक नहीं, कंफर्म है, हम अच्छे से जानते हैं ये काम किसने किया है। किसने? बूजी, आई मीन आलिया खन्ना। जी वो मेरी मॉम है, बदकिस्मती से मैं उनका बेटा। वही है जिसने रणबीर प्राची की बच्ची को किडनैप किया, उसे साथ लेकर गई। उनकी फोटो है आपके पास? जी मैं फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए। इनफैक्ट आई थिंक आई नो वो बच्ची को कहाँ लेकर गई है। आप एड्रेस मैसेज कीजिए, वो जहाँ भी है हम अभी जाकर पकड़ते हैं उनको। मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी हम सब चलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम में से यहाँ कोई नहीं रुकने वाला, हम सब चलेंगे हमारी बच्ची को ढूंढने के लिए। आई प्रॉमिस, हम में से कोई भी आपके काम में रुकावट नहीं लाएगा। ठीक है चलिए। उनकी सिटी में दो गोडाउन है, एक एक जगह जानती हूँ मैं उनकी। सबसे पहले हमें वही जाना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स मैं आपको कार में देती हूँ। ओके, इसलिए मैं दो टीम लेकर आया था ताकि सब एक साथ ढूंढ सके। तुम अपनी टीम लेकर एक गोडाउन जाओ और एक टीम मेरे साथ आएगी। दैट्स राइट, मैं आपके साथ चलूं। चलिए। नॉट डन, नॉट डन रिया, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैम आपने कुछ बोला? तुम्हारे कान पीछे ही रहते हैं, सामने देखो, ड्राइव करो। हेलो हेलो बूजी, बूजी आप ये सही नहीं कर रहे हो, अब जहां भी हो ना, आई एम टेलिंग यू प्लीज प्लीज जस्ट कम बैक, और उस बच्ची को भी वापस ले आओ बूजी, प्लीज, शी इज एन इनोसेंट किड। रिया तुम भी तो इनोसेंट थी, अफसोस अब तुम इनोसेंट नहीं रही, ना तुम मेरी रही हो, दुश्मन बन गई हो तुम मेरी। पर उस बच्ची की क्या गलती है? लेकिन मैंने तो किया था ना तुम्हारे लिए, कितना कुछ किया था मैंने तुम्हारे लिए, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी, लाइफ में सिर्फ सोचा तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, और तुमने, तुम इतनी बदल गई हो कि तुमने जाके मेरे दुश्मनों का साथ दे दिया। अच्छा बूजी देखो, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज फॉर गॉड उस बच्ची को छोड़ दीजिए, प्लीज उसे वापस दे दीजिए। तुम्हारे साथ भी करूंगी रिया, बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। सोचा नहीं था कि ये बात मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग रिया, तुम और प्राची दोनों सेम, तुम दोनों का खून सेम है। वाओ बूजी, अगर ऐसा है ना, देन आई एम फीलिंग प्राउड टुडे कि मैं अपनी बहन प्राची जैसी हूँ, क्योंकि प्राची जैसी अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। गौर रिया, क्या हो गया तुम्हें, क्या क्या थी और क्या बन गई हो? बूजी लुक, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज उस बच्ची को वापस दे दीजिए, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। आपको जो चाहिए ना हम देंगे, आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे, पर प्लीज आप उसे कुछ मत होने देना, मुझे बच्ची है वो, इतना तो देखो। And I'm sure आप भी कुछ गलत नहीं करना चाहेंगी। आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है, लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि मैं तुम में से किसी को खुश नहीं देखना चाहती। And I'll make sure कि तुम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये आखिरी बार है जो तुम मेरी आवाज सुन रही हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी रिया, नेवर। बूजी, बूजी, बूजी। तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है रिया, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी। आई प्रॉमिस यू, रुक आप उठेगी तुम्हारी, कि जो कोई भी मुझे हर्ट करता है बाद में पछताता जरूर है कि उन्होंने मुझे हर्ट क्यों किया।
कुछ पता चला? नहीं आंटी, बूजी का कॉल आया था पर वो बहुत गुस्से में थी। इसका मतलब वो वहाँ भी नहीं थी? नहीं, वो वहीं थी, हम लेट पहुँच गए। अगर हम थोड़ा जल्दी पहुँचते तो शायद हम उन्हें पकड़ सकते थे, पर आई थिंक उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया और वो बच के चली गई। क्या मतलब तुम आलिया बूजी के इतने करीब पहुँच चुकी थी? हाँ। इन्होंने सारे एड्रेस दिए जहाँ पर भी वो हो सकती थी। हमने जिस जगह लास्ट रेड मारी वो वहीं पर थी, पर हमारे हाथ से निकल गई। Come on. हेलो प्राची, पूछी नॉट बैड, मेरी आवाज पहचान ली? पहली बार माँ बनी हो, कैसा लग रहा है माँ बनकर? ओह माय लिटिल क्यूट लिटिल फेरी, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मा से ही बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बूजी, बूजी मेरा बच्चा कहाँ है? बूजी मेरी 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 बेटी, बूजी आप कहाँ है? आप मेरी बेटी को कुछ मत करना, आपको मुझसे दुश्मनी है ना, मुझसे दुश्मनी निकाल लेना, मुझे जो करना मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। बूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको मैंने हर्ट किया है ना, मैं माफी मांगती हूँ, मैं नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ, आपके पैरों पे गिर के माफी मांगती हूँ। बूजी मेरी बच्ची को कुछ मत करो, प्लीज प्लीज। पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांग रही है प्राची, वाह क्या नजारा है, और ये नजारा मैंने मिस कर दिया। सिर्फ सुन सकती हूँ लेकिन ये नजारा देख नहीं सकती, इसलिए आधा मजा है। वैसे सही कहते हैं लोग, माँ बाप को सिर्फ एक औलाद ही मजबूर कर सकती है। तुम्हारी तो पहली औलाद है। वैसे कितने घंटे रही तुम्हारे साथ? एक घंटा मैक्स। और अब पता नहीं तुम इसे देख भी पाओगी या नहीं। मुझे खबरदार ऐसा बोला तुम, खबरदार मेरी बच्ची का बाल भी बांका हुआ ना, खड़ोस भी आए ना, तो कसम से मैं सब भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटी पर एक भी खरोच आएगी। आपके लिए ही अच्छा है। मुझे मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, कभी अपनी हद पार नहीं की है, लेकिन कसम से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं कोई लिमिट नहीं देखूंगी। मैं नहीं सोचूंगी आप कौन हो कौन नहीं हो, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। और एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए मजबूर हो सकती है तो किसी को मजबूर कर भी सकती है। मेरी बच्ची को खरोच भी आई ना बूजी, मैं आपकी जान ले लूंगी। Now I'm liking it. संस्कारी प्राची मेरी भाषा बोल रही है, या कहूँ अपनी धोखेबाज बहन की भाषा बोल रही है। वेरी गुड टाइमिंग, आए वहीं रुको तुम। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स, पर बाकी की फैमिली कहाँ? पीछे एक गाड़ी है उसके अंदर आ रही है, देखिए आपको आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, मेरी बेटी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ आपके, प्लीज 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 हमारी बच्चे हमें वापस कर दीजिए प्लीज। सुना तुमने, तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं? मेरे पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बच्ची दे दो। और तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और तुम्हारे लिए बेग कर रहे हैं। हाउ लकी आर यू आई मस्ट से, दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। पुलिस, ये लोग पुलिस लेके आए साथ में। डॉक्टर ने बोला कि प्राची ठीक है, बस उसको स्ट्रेस नहीं देना। मैं जा रही हूँ, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई होना चाहिए, वो रेस्क्यू टीम लेके जा रहे हैं पंछी को ढूंढने, मेरा जाना भी जरूरी है। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं रणवीर, तुम यही रहो, प्राची का ध्यान रखो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके सो जाओ, कुछ देर के लिए सो जाओ। सो कैसे जाऊँ मैं, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, मेरी पंछी, मेरी नन्नी सी जान, मेरी जान, मेरा अंश है वो, मेरा प्यार है वो, यहाँ नहीं है, मैं सो कैसे सकती हूँ और तुम यहाँ खड़े कैसे हो सकते हो? मैं माँ हूँ तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारा भी खून है ना वो, तुम्हारा भी तो तुम कैसे बोल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम यही रहोगे। प्राची इनफ,
कब तक मुझ पर इल्जाम लगाती रहोगी तुम कि मैं गलत बाप हूँ, मैं खराब बाप हूँ? मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुम खराब माँ हो। ये सब जो हुआ है तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज अगर पंची हमारी गोद में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो वो सब तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आनिया बूजी को ऐसे जेल में डालने की? क्या जरूरत थी? तुम नहीं डालती अगर उनको जेल में, तो वो बदले में आके हमारा बच्चा नहीं चुरा लेती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंची आज नहीं है हमारे साथ। तुम क्या बोल रहे हो? मैं माँ हूँ उसकी, मैंने जन्म दिया है उसे। मैं बाबू उसका। तुमने जन्म दे के मेरे हाथ में दिया था ना पंची को। तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, तुम मुझे अपनी बेटी की मौत की याद आती आ जाती। कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली। निकल जाओ मेरे घर से। स्लीप स्लीप। दादा तुमने डिवोर्स पेपर्स ऑलरेडी साइन की, तुम मुझसे सब खत्म करना चाहती थी ना, तो खत्म कर दो, जाओ। मैंने किया था क्योंकि क्योंकि क्या? मुझे नहीं सुनना, बस हमारे बीच में सब खत्म। समझ क्यों नहीं रहे हो रणवीर? अरे समझ लिया, बहुत समझ लिया। इतना समझ समझ के यार तुम्हारे सामने ना समझ के खड़ा हुआ हूँ मैं। हमारी बेटी है छोटी प्राची आले, इसकी स्माइल तुम्हारे जैसी है। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आई, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं। पनिशमेंट पता क्या होती है? पनिशमेंट तब होती है जब तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोक रहा होता जबरदस्त। रोक के तो देखो। यही अरदास है मेरी। तुम्हें पता है प्राची, अगर हमारी शादी हो जाती ना तो बहुत चीजें अलग होती। मैं तुम्हें बार बार गिरने से बचाता, आई प्रॉमिस। सांस है मेरी, रूठे न मनोड़ा। आई लव यू प्राची। आई लव यू टू रणबीर। मेरे पहले आप खा लो जी। समीर जी कितनी प्यारी हो जी। जब से जुड़ी है जान तुझ से यारा मेरे। ये बच्ची के लिए कुछ बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं बच्ची के लिए ठीक है। बच्ची एक्चुअली 6 साल की हो गई, यहाँ तक आती है। ये कौन है? शैतान, कैसे डरा दिया मुझे? पता कितनी बड़ी हो गई हो तुम, पहले इतनी सी थी। बाबूजी कहते मैं उनके यहाँ तक आ गई हूँ। मना किया था ना मैंने, जब देखो बाबूजी बाबूजी बाबूजी। अच्छा एक सेकंड यही रुको, एक सेकंड ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये नए नए कपड़े हैं, गहने हैं, मेकअप है, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं ना तुम्हें जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ तुम्हारे पापा के आने से पहले, ठीक है? बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी, हैप्पी चलो ना रेडी होते हैं। पर बाबूजी ने कहा था वो मेरे लिए चुन्नी लाएंगे और मेकअप का सामान भी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बाबूजी की पसंद कैसी है, इसीलिए तुम सब कुछ मेरी पसंद का पहनोगी। ये सब मेरे लिए है? हाँ सब तुम्हारे लिए, बैंगल्स भी और ये इयररिंग्स भी। ये इयररिंग्स परफेक्ट है, ये इस रेड ड्रेस के साथ परफेक्टली जाएंगे। बहुत अच्छे, ये भी पैक कर दीजिएगा। और ये बैंगल्स जो हैं, बैंगल्स थोड़े बड़े हैं, तो इसका एक साइज छोटा मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं। अरे वाह दिखाइए।